गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। वो कहते हैं ना कि सूरज अस्त हम सब मस्त, वैसी वाली मस्त हूँ मैं। मैंने रख दिया ये चिड़ियाओं के लिए पानी। वैसे तो आप सबने देखा होगा ये जो हमारा आंगन खुला हुआ था पहले, और नीचे जो बर्तन रखे रहते थे उनमें से चिड़िया, कौए, कबूतर सब आके पानी पी लेते थे, जहाँ तक कि मधुमक्खी भी। तो हमको ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन जब से ये पर्दा मतलब आंगन पैक हुआ, ये पर्दा लगा है, तब से हम लोगों ने रियलाइज किया है कि सिर्फ मधुमक्खी आ पा रही है, ना कबूतर आती है, ना चिड़िया आता है, कोई नहीं आ पाता है। इसीलिए हमने सोचा कि हम बाकी लोगों की तरह ऊपर रख सकते हैं, तो वो आज मैंने रख दिया। ये देखो ये इसी अभी तक चल रहा है गाइस। हम लोगों ने एक्सरसाइज कर भी ली और नहा कर भी आ गए ऊपर। तो गाइस आप सबको पता है कि मैं जब स्ट्रेचिंग, योगा वगैरह सब कर लेती हूँ, उसके बाद भी मम्मी बोलती है कि सूर्य नमस्कार किया कर, जिससे पॉजिटिविटी आती है। तो मैं पता है कैसे करती हूँ, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी मम्मी जब सूर्य नमस्कार करने की बोलती हैं तो मैं कैसे करती हूँ? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। ये भी तो सूर्य नमस्कार ही है ना गाइस, सही बोला ना मैंने? नहाने के बाद गाइस बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, कभी आप भी नहाकर देखना। वैसे तो आप मेरी तरह आलसी होंगे, पर मैं भी कभी कभी नहा लेती हूँ, तो कभी कभी आप भी नहा लिया करो। अरे भैया दा गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अरे तू यहाँ पर है तो एसी कौन चला रहा है? एसी बंद है। ये अभी भी नींद में है भैया, प्लीज इसको देख लो, आप इसको जी भर के देख लो। मेरे साथ सूर्य नमस्कार करेगा? सूर्य भगवान, चल मेरे साथ कर, रुक आजा। हाथ जोड़ो, जोड़े और झुक जाए, उठ जाए, हो गया। तो गाइस अभी का पानी देख लो, और एक और बार आऊंगी मैं शाम के टाइम पे जब कितना खाली हुआ। हम लोगों ने चिड़िया के लिए पानी रखा है। हाँ नहीं, तेरे लिए भी रखा है, अगर तू कुत्ते भी पी सकते हो उसमें से। बट ऊपर छत पे थोड़ी ना कुत्ते आ सकते हैं। तो तू आ रहा है ना, बस एक कुत्ता काफी है। टेंशन मत ले, तू पूरा पी जाएगा पूरे दिन के लिए। कल चावल नहीं खाए थे तो मैं आज खा रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन था। अरे डरा क्यों रहा है भैया? यहाँ पर जो एक गैलरी थी वो पता नहीं कैसे, लेकिन अंदर की साइड बंद हो गई, और ये प्लेन गेट है ना, तो वो चढ़ भी नहीं पा रही है, तो ऊपर जाके रुकी है। तो मैं उसकी हेल्प करने का ट्राई कर रही थी, ऊपर से मेरी बहन और आज मुझसे गुस्सा थी, तो वो इतने ताने दे दे के मेरी हेल्प कर रही है बहुत ज्यादा। ऐसी करके खड़ी है जब मुझे, वो डर रही है, वो जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही। कुछ उसको उठा लेना ऐसे हाथ करके। हाँ, इतना आसान होता तो कब को उठा ले। मेरी हाइट नहीं पहुंची वरना मैं नॉर्मली उठा लेती। ट्रस्ट नहीं कर पा रही वो अपन पे। पर मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा, मैंने ट्राई किया कि वो मेरे हाथ पर आकर नॉर्मली निकल जाए, और उसके लिए मक्के के दाने भी रखे जिससे वो नॉर्मली खा ले, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर वो फाइनली हम जैसे गए ना वैसे वो खुद ही चली गई, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई। तेरी गिलहरी की पूछ छू ले। क्यों? कहते हैं कि अगर उसकी पूछ छू लो तो या तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे या तो ज्यादा ढोर हो जाओगे। आज खाने में रोटी और लौकी की सब्जी, आज कोई सैलेड नहीं है गाइस क्योंकि खत्म हो गए। मम्मी आ गई मंदिर से, ये बाल कैसे खुल गए? स्पेशल है, पोले बनेंगे वैसे ही है, पोला जुड्डा मार के गई मैं। क्लेचर लगा जाती ना। पंखा क्यों कम हो गया? बंद कर दिया मैंने, यार कम हो गया तो बंद कर दो, चालू कर दो मम्मी। मैंने जाने की गर्मी लग रही है। ये कहाँ से उठा लाया? नीचे से। अरे वाह यार, मतलब ऑनलाइन खेल खेल के थक गए तो गाइस ऑफलाइन ले आओ, वजह उठाए खाए। मम्मी खर्चना नहीं है वो। चलो कुछ तो अच्छा किया है। काहे इसको कैसे खेलते हैं? ये लॉक भी हो जाता होगा, इसको लॉक करिए। आ जाइए लूडो। जी कहां से आ गया यार? पापा लेके आए थे तो दे दिया। नहीं बताए, अपन मोबाइल में खेलते ना तो उतना मजा नहीं आएगा, आता था इसमें ज्यादा मजा आएगा। चलो खेलते हैं। मम्मी आ जाओ। क्लास कहाँ है? नहीं मैं नहीं खेल रही, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे तो ताश अच्छी लगते है बस के वाली। ताश के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं मम्मी। अभी जुआ खेलते हैं। जुआरी है मम्मी के। तो ये येलो वाला छोड़ दे फिर मम्मी का, मैं ये ब्लू और तू ग्रीन, खुशी रेड। अरे वाह खुशी का रेड हाउस था। कौन सी वाली लेनी है? बड़ी वाली। खाना खाने से पहले वाली, बाद वाली? पहले वाली ले। मेरा है। अरे चे आ गया यार। तो गाइस खुशी इस गेम की विनर है, भैया सेकंड है और मैं थर्ड हूँ। मैं नहीं थर्ड, नहीं ऐसे कहते, मैं हार गई हूँ।
हाँ मतलब मैं हार गई, मेरी गोटी नहीं घुसी। तो गाइस मुझे कुछ हल्की सी भूख लग रही है, जैसा कि आप सबने देखा था पहले जब लंच किया था तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा भी सैलेड नहीं था, सैलेड था ही नहीं, खत्म हो गया था। तो मुझे इस टाइम पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कुछ कुरकुरा सा खाने का मन कर रहा है, जैसे मखाने लाई मम्मी की किचन में कुछ ना कुछ छानते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो गाइस इतना सोचने के बाद हम नतीजे पर आए हैं कि हम बनाने वाले हैं सलाई, जो कि मम्मी की किचन में तो बिल्कुल नहीं मिली है, वो उस कुंदी पे मिली है जो कि मम्मी से टांगती रहती है, जैसे हर कुंदी पे कुछ ना कुछ टंगाए, इस गेट पे भी टंगाए, इस पे भी टंगाए। वैसे गाइस आपके घर में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक थैली से भरी हुई थैली जरूर रहती होगी, अगर है तो जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दो। तो गाइस मेरी लाई सीखने वाली है। और हाँ गाइस मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई कि मम्मी और खुशी फ्रूट्स और सब्जी खीरा वगैरह ये सब लेने गई है, क्योंकि आज खीरा बिल्कुल भी नहीं था ना, इसीलिए मैंने नहीं खा पाया। मम्मी आज रात में ही निकल ली, वरना वो सुबह जाती है, तो मम्मी के साथ खुशी गई है सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे लाई मेरी सीक गई है, चलो मैं इनको इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तक खुशी और मम्मी आएंगी। कैसे खा प्रसाद नहीं है, कुल्फी है, प्रसाद के रूप में। रास्ते में झटका पड़ा, मम्मी ने कही ओ ऐसे करके कुछ किया, मैंने कहा मेरा टॉप बिगाड़ दिया, कह रही नहीं, मैंने कही मम्मी जल्दी आ जल्दी आ, कह रही चप्पल ही मैं अंदर रखे आई, फिर 15 मिनट चप्पल पहन के आई, पिघलेगी नहीं तो क्या होता। कुल मिला के कुल्फी सेफली तो नहीं लेकिन खाने लायक घर पर आ गई, जो भैया ने ऐसे करके खा ली। तो गाइस यहाँ पर मेरा सामान आ गया है, यहाँ पे गोभी आ गई, खीरे, खीरा नहीं है लौकी है, इस बार क्या आया ये शक्कर भट्टी है ना, शक्कर भट्टी, इसमें पता नहीं क्या है, बैगन, ककड़ी है, और ये पता नहीं क्या है, खीरे के एक्सचेंज में ककड़ी, तरबूज के एक्सचेंज में शक्कर भट्टी। हाँ मतलब जो भी है आ तो गया ना। मैंने पता है तुम लोगों को कॉल लगाया कि नींबू और लहसुन भी ले आना, पर तुम लोग बहन नींबू 150 रुपए किलो, 10 रुपए का एक नींबू नहीं दे रहे, 40 के 100 ग्राम 400 रुपए करो, कोई 10 रुपए का एक नींबू नहीं दे रहा, मम्मी ने कही सस्ते होंगे तब खाएंगे। लहसुन मिला ही नहीं, वो गर्मियों में लहसुन नहीं रहता है, क्या ही कर सकते जब मिला ही नहीं है तो। अब नहीं सिर्फ केदारनाथ की, और भी नगर तमाम मंदिर है आंटी, वहाँ पे का कमी मंदिरन की। तो गाइस यहाँ पर हमारी प्लानिंग हो रही है चारों धाम यात्रा, कितने में हो जाएगी, 50 लाख बहन, लाख लाख की कीमत ही नहीं समझी, बताओ चढ़ाई कितनी है मैंने, 23 किलोमीटर, थोड़ी थोड़ी गंगोत्री यमुनोत्री इन सब की भी तो होगी, गंगोत्री की है यमुनोत्री की, एरोप्लेन और हवाई जहाज एक ही होता है, पहली बात मम्मी जिसकी बात कर रही है वो हेलीकॉप्टर है, तो अभी उसी की बात ही कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की। अरे भाई पहले प्लानिंग वो तो हो जाने दो, तुम लगे हो करने, वो क्लियर वो छोड़ा भी, प्लानिंग को बाहर ना दे, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में अंतर बताओ क्या अंतर, हेलीकॉप्टर का ऐसे ऐसे घूमता है, तो हवाई जहाज के ऐसे ऐसे घूमता है। हवाई लास्ट टाइम पे जाते जाते अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, ये जो प्लानिंग है वो भी खराब, उस टाइम पे कैला देवी भी गए थे तब भी तेरी तबीयत, कैला देवी नहीं तो? वो करौली की कौन सी, करौली वाली मजे तब भी, तो उस टाइम पे मुझे लगता है एक्चुअली में ना तेरे ऊपर कोई भूत का साया है, भूत का नहीं है भैया, भूत का नहीं है, तेरा साया है, मेरा साया नहीं है, भूत का साया, तू किसी भूत से कम नहीं है। मम्मी की कल 11 थी, तो मम्मी ने कल मछली नहीं खा पाई थी, आज मम्मी मछली का टेस्ट बताओ कैसा है, कैसी है, अच्छी है ना। तो गाइस फिलहाल मम्मी वहाँ जा रही है जहाँ पर मम्मी और पापा और खुशी तीनों खाना खा कर आए थे, तो ये जो भी जा रहा है मम्मी ये क्या बोलते हैं इसे, मतलब लड़की के लिए देते हैं जिसकी शादी है।